हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मोहब्बत के शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और ये शरबत देखने में जितना ही सुंदर है खाने में और पीने में उतना ही टेम्पटिंग और टेस्टी है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आवश्यकता नहीं होती। जो भी आपके पास घर में है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनसे आप इसको आराम से बना सकते हैं। बच्चों का पसंदीदा और सभी लोगों का पसंदीदा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वाटरमेलन को यानी तरबूज को इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट हैं। रोज सिरप है, शुगर है और मिल्क है फुल क्रीम। तो इन चीजों को हम सबसे पहले मिक्सी में एक बार हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे मुंह में क्रंच की तरह से आते रहें। तो चलिए सबसे पहले इसको मिक्सी में चीनी डाल देते हैं, इसके साथ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, अखरोट लिया है, काजू, बादाम, पिस्ता, इन सभी को हम इसके साथ मिक्सी में पीस लेंगे। और इसको हम अलग रख लेंगे, इसका हम यूज सबसे लास्ट में करेंगे। अब एक बाउल में हमने बर्फ ले ली है, दूध लिया है, इसके बाद हम इसमें रोज सिरप डालेंगे, तरबूज डालेंगे और फिर इसके बाद हम रोज सिरप डालेंगे। उसको बाद उसमें से अच्छे से मिक्स करेंगे। रोज पेटल्स डाल दिए हैं। अब जब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे, तब अपना जो हमने क्रंच बना के रखा है ड्राई फ्रूट्स का, वो हम ऊपर से डाल करके तब हम इसको सर्व करेंगे। जो खाने में उसका क्रंच आएगा, वो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। ये देखिए, हमने सर्व कर लिया है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।